मैं तो एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे, तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मन मन मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? मित्रों शिव जी ने उन्हें बताया कि उनका एक भक्त है, उनकी पत्नी की बातें सुनकर वो मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मित्र लोग में मेरा एक अनन्य भक्त है, एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उनके पास खुद का घर हो, धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से उसका घर का खर्च चल पाता है। घर व अन्य सुख सुविधा कहाँ से आए? वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने मुझसे ऐसी बातें कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया। पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया? शिव जी ने बताया कि उसकी पत्नी ने आज मुझे ताने मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद का घर नहीं है, वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे? बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, वह तो आपको ताने मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप उसे घर और सुख सुविधा क्यों नहीं दे देते हैं जिससे वो आपकी निंदा करना बंद कर दे? मैं तो इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये तो मेरे बस में नहीं है, ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं और अपने पिछले जन्म के साथ इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे ही उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाता है उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है, ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। मैं तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो लोगों की जमीन, उनके जेवर और पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसे मिलते थे उसका उपयोग ये उसकी पत्नी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सका और उसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया था वह भी इसके साथ कर्मफल भोग रही है। मैं तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस जन्म में ये मेरी सेवा कर रहा है, जिसके इसे कर्मों के फल में जो भी कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे, इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता है इसे घर और अन्य सुविधाएं इसे नहीं मिल सकती, ये विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, ये तो ठीक है, पर उसकी पत्नी ने जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? तब शिव जी ने कहा कि संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाएगा मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा, ये सृष्टि के आरंभ में लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको इस मृत्यु लोक में मुक्ति मिल जाएगी।